साथियों जय किसान। अभी हम हैं सिंगू बॉर्डर पे, और सिंगू बॉर्डर पे जो हमारा मोर्चा लगा हुआ है उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं कि कैसे किसान ट्रालियों में और तंबुओं में, झोपड़ियों में पिछले आठ महीने से लोकतंत्र को, संविधान को, ज़मीन को, ज़मीर को, काले कानूनों के खिलाफ एमएसपी के कानून की मांग को लेकर के आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, फसलों नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपने घर से दूर एक घर बना करके रह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हों, इस देश की ज़मीन सुरक्षित हो, इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित हो। आप देख रहे हैं, और साथियों आप ये भी देख रहे हैं कि तिरंगे लहरा रहे हैं। किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, उसी के बच्चे सेनाओं में हैं, पैरामिलिट्री में हैं, जो बॉर्डर पे रक्षा करते हैं देश की। आप देखिए कैसे शान से यहाँ तिरंगे लहरा रहे हैं। इसी तरह से गाजीपुर है, टिकरी है, साजापुर है, तमाम हमारे मोर्चे मजबूती से चल रहे हैं। इनमें हमारे किसान भाई, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मजदूर, युवा साथी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। ऐसा ही एक दृश्य आपको किसान भवन, छोटी एक झोपड़ी जहां लगातार आंदोलनकारी आठ महीनों से डटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन से हमारे प्रधान हैं, ब्लॉक के असंध से प्रधान जी हमारे जोगिंदर सिंह झिंडा जी। आप देख रहे हैं बाहर कूलर लगा हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत है। अब अंदर एक बार, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अंदर एक बार आपको हम मिलवाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो है, पूरी जो झोपड़ी है ये बांस से बनाई गई है, बेम्बू जिसको बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर नीचे सारा एक बार दिखा देंगे। और इसको पन्नी लगा दी गई है ताकि जब बारिश आती है, मौसम बहुत ख़राब रहता है, मानसून चल रहा, और नीचे तो पानी आता है क्योंकि फर्श कच्चा है। आप देख सकते हो जो पानी नीचे पानी आता है, अब भी पूरा भीगा हुआ है नीचे से। और यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी किसान भाइयों को, थोड़ा सा मूवमेंट धीरे करना हमने, ये किसान भाइयों के आराम करने की जगह। यहाँ कोई भी असंध का है, करनाल का है, या कहीं से भी कोई किसान आ जाए तो उसको यहाँ पे लंगर चल रहा है, साथ में सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। यहाँ हमारे सरदार जी बैठे हैं, 75 साल उम्र है, प्रीतम सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट करनाल से, असंध से। उधर हमारे जोगेंद्र सिंह झिंडा जी, हमारे प्रधान भारतीय किसान यूनियन से, जो लगातार इस आंदोलन में डटे हुए हैं। उसके बाद हमारे सतनाम सिंह जी जो रतक गांव से हैं, असंध में। इधर आपका क्या नाम है? दिलबाग सिंह। आप कहाँ से हो? अमृतसर। ये दिलबाग सिंह जी हमारे पंजाब के भाई हैं। और ऐसे ऐसे लाखों की संख्या में झोपड़ियां, तंबू, ट्रैक्टर ट्रालियों में यहाँ पे ये आंदोलन लड़ा जा रहा। और साथियों अभी हमारे हैं, आज हमारा पहला जत्था रवाना हुआ है संसद, किसान संसद के लिए। एक तरफ सरकार का सत्र चलेगा तो दूसरी तरफ किसानों की संसद चलेगी। खबरें आ रही हैं आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। 200 किसानों के लिए इतनी बड़ी फोर्स लगा दी गई है। काश ये इतनी बड़ी फोर्स अगर बॉर्डरों के ऊपर रहती तो ये रोज आतंकवादी हमलों में हमारे निर्दोष लोगों की जान नहीं जाती, और चीन हमारे देश की जमीन पर कब्जा नहीं करता। तो इस प्रकार की बातें चल रही हैं, हर रोज जत्था जाएगा। अब हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं कूलर लगा हुआ है यहाँ, ये डीप फ्रीज है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये फराटा चल रहा है यहाँ पे। हमारे पंजाब से हैं आप भी सरदार जी, सत श्री अकाल कर दो सबको, हाथ जोड़ के कर दो अच्छी तरह। हाँ, ये आठ महीने से डटे हुए हैं। अभी हमारे जो जोगेंद्र सिंह झिंडा जी हैं, एक भाई हमारे और आ चुके हैं सरदार जी, वो अपने दो मिनट विचार रखेंगे, साझा करेंगे अपने अनुभव। सब भाइयों को राम राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसान भराओ, मैं साढ़े दफ्तर विच आउण ते रवि आजाद जी का धन्यवाद करना वा, तो इन्हां नूं साढ़े बजुर्ग बैठे ने आशीर्वाद भी दे रहे ने, जिहड़े नौजवान साढ़े बच्चे ने, वो जिहड़ी ये लड़ाई है, मुहिम है, उन्हां दे जोश है, जज्बा है, होश ते जोश नाल अपना जिहड़ा अंदोलन है वो कामयाबी करन,
ते साडा आशीर्वाद उन्हां दे नाल है। जिस तरह असी अज सुकत मोर्चे वालों 200 बंदियां दा जथा रवानगी वास्ते जंतर मंत्र वास्ते कल के आया, कल भी इस तरह ही जाना जथा। जिन्हां भरावां दे आई कार्ड नहीं बने आईडियां दिओ ते अपने आई कार्ड बनाओ ते जथियां दे विच जिस तरह आदेश आवेगा उस तरह ही सारे जथे 5 बसां दे विच तैयार होकर जाणगे, 11 बजे जाणगे ते 5 बजे आउणगे। मैं सारिआं भरावां किसानां नूं बेनती करना वा अपने दफ्तर विच आओ, लंगर दा पानी दा चाह दा हर चीज़ की व्यवस्था है ते इत्थे रवानगी होकर जाएगी। इन्ने कु वचन करदा फतेह बुलाना वा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। काले कानून रद्द करो, रद्द करो रद्द करो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो वापिस लो। हमारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो साथियों ये एक छोटी सी झलक आपको दिखाई, आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान।